नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 90 प्रश्नों को। तो इस टॉपिक से काफी ज्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए हम इस टॉपिक को दो लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम 45 क्वेश्चन और दूसरे लेक्चर में 45 क्वेश्चन को देखेंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक से पूछे गए कुल 90 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस के कंबाइंड तैयारी करने के लिए हम लोगों ने एक बैच बनाया हुआ है, वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं एक ही जगह प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी कि आरओ यारो की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप इस कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। तो एकदम कंप्लीट तैयारी करने के लिए ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको जो भी आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए वो सब मिलेगा। तो वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी इसमें जो है शामिल होगा। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे आरओ एआरओ कोर्स की। अब आ जाते हैं प्रश्नों पे, और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्रश्न आ चुका है। प्रश्न के नीचे वो किस एग्जाम में पूछा गया था, किस वर्ष, वो जो है प्रदर्शित है। मेरे साथ आप लोग भी प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और उदार राजवाड़े। अब इसमें से हमें बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा है। तो किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया इन धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने? तो निश्चित रूप से बुद्धिजीवी तो होंगे ही, नगरीय उच्च जातियों को प्रभावित किया और उदार रजवाड़ों को प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग अभी इससे बहुत दूर था। तो 1, 2 और 4, इसका मतलब हमारा उत्तर है डी, 1, 2 एंड 4। तो पहले का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या है वक्तव्य? 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो पूछा यह जा रहा है कि आर सही है किंतु ये गलत है, ए व आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए व आर दोनों सही किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। तो RSRTS 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, यह सत्य है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो उन्होंने जो है आडंबरों का खंडन किया। तो बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक विचार थे तो ये आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। इस प्रकार से ए व आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो बी हमारा उत्तर होगा सेकंड का। अगला, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग, शिक्षित मुसलमान। तो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित किया, और इसीलिए इनका यह मानना था कि जो देसी रजवाड़े हैं वो भारत को आधुनिकता के राह पर लेकर के नहीं जाने वाले हैं, बल्कि अंग्रेज ही भारत को आधुनिकता की राह पर लेकर के
आगे जाएंगे। इसीलिए 1857 की क्रांति के दौरान कुछ बड़े शहरों ने में आधुनिक भारतीयों ने ब्रिटिश विजय के की कामना की थी। ठीक है, तो ये पूरी बात। तो शिक्षित हिंदू मध्यवर्ग। अगला, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? अब ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये सब अलग अलग प्रश्न है, सब का सब अलग अलग प्रश्न है। तो राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ प्रश्न अगर आप देखेंगे तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में 20 से ज्यादा क्वेश्चन केवल राजा राम मोहन राय से है और उसमें से 15-16 प्रश्न केवल इनकी उपाधि को लेकर के है। ठीक है, तो देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? यूपीपीसीएस, आरओ, उत्तराखंड, बीपीएससी, तमाम एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, इन्हें ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणीय दूत, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो चौथे का हमारा उत्तर है बी। तो बहुत सारे प्रश्न हमने सबको एक ही जगह रख दिया ताकि आपका समय बचे। अगला, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्व बोधनी सभा। तो ए बी सी डी में से हमारा उत्तर होगा बी, 1815 आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो वही सेम प्रश्न है, देखिए कैसे रिपीट हो रहा है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में, केवल आप जो है देखें एमपी पीसीएस प्री में तो 92 में और 2006 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में 2002 2005 में पूछा गया, तो बहुत बार रिपीट हुआ। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1827, 1829, 1828, 1843। तो इसका उत्तर है 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला, अब यहां देखिए सारा जो है ब्रह्म समाज के बारे में, 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म सभा संप्रदाय की स्थापना की गई जिसे आगे चल करके ब्रह्म समाज कहा गया। तो पहले ब्रह्म सभा या संप्रदाय और वही जो है ब्रह्म समाज कहलाया, ये सारी बातें जो है इसमें की गई है। आगे बढ़ते हैं, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो अकबर सेकेंड ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर सेकेंड मुगल बादशाह जिसके समय में मुगलों का सिक्का भारत में चलना बंद हो गया 1835 में। तो अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इन्हें विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा ब्रिटेन में। कुछ पेंशन को लेकर के मसला था, उसके संबंध में बातचीत करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में इन्हें ब्रिटेन भेजा और वहीं ब्रिटेन में ही 1833 में ब्रिस्टल एक स्थान है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, वहीं पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। अगला, राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो निश्चित रूप से ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद सेन का संबंध उपरोक्त में से किसकी किनकी स्थापना से है? तो अब ये प्रश्न जो है कठिन प्रश्न हो जाएगा।
ये आसान प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस भी उसी तरीके से हैं। अब चूंकि प्रश्न आईएएस 2016 में पूछा गया है, मान लीजिए इसका एक ट्रिक ये होता है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। अगर ये तथ्य पता है तो ये नहीं होगा, वन नहीं होगा। तो वन अगर नहीं होगा तो डी नहीं होगा और ए नहीं होगा, लेकिन बी और सी में कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि ये बहुत जो है चर्चित नहीं है। ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन तो थोड़ा सा, लेकिन जो सेकंड का है वो बहुत चर्चित नहीं है, इसलिए इसे हम जो है एक कठिन प्रश्न मानेंगे और इसका उत्तर है 2 और 3। तो 2 और 3 केशव चंद सेन से संबंधित है, तो 10 का हमारा उत्तर होगा बी। अगला, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008, यूपी यूडीए एलडीए 2010 प्री और मेंस दोनों में पूछा गया, तो काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद सेन। अब इनसे जुड़ी हुई एक कहानी को समझ लीजिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ब्रह्म समाज की कमान देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में आ गई। देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद सेन को ब्रह्म समाज से जोड़ा और इन्हें आचार्य का पद दिया। केशव चंद सेन का व्यक्तित्व और उनकी बोलने की प्रवीणता और अनेकों गुणों से ब्रह्म समाज बड़ा तेजी से लोकप्रिय हुआ और बड़ा तेजी से इसने विस्तार पाया। लेकिन 1865 ईस्वी में केशव चंद सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद की स्थिति हो गई। अंततः देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद सेन को ब्रह्म समाज से बाहर का रास्ता दिखा दिया और ऐसे में 1866 ईस्वी में केशव चंद सेन ने एक दूसरे ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे नवीन ब्रह्म समाज कहा गया और इसका मूल नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। तो 1866 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद सेन द्वारा की गई, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर के लीडरशिप वाला ब्रह्म समाज था, यानी जो राजा राम मोहन राय के समय से चला रहा था, उसको अब 1866 के बाद आदि ब्रह्म समाज कहा गया, क्योंकि वो मूल था। लेकिन किताबों में, बहुत प्रसिद्ध किताबें जो जिनका जो है एक वैल्यू है, उन किताबों में भी ये गलती हो गई है कि हर जगह ये लिखा गया है कि आदि ब्रह्म समाज यानी केशव चंद सेन, जबकि ऐसा नहीं है। आप तर्क के आधार पर भी देख लीजिए, मूल ब्रह्म समाज और एक नया ब्रह्म समाज बना, तो मूल ब्रह्म समाज को ही आदि कहा जाएगा ना। जो 1866 में बना वो आदि कैसे हो जाएगा, और जो 1828 में बना वो नवीन कैसे हो जाएगा। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी जो मूल ब्रह्म समाज था, और भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज केशव चंद सेन। तो ये गलती थी, वो मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, यानी किसी भी अस्तित्व को नहीं मानना, अद्वैतवाद पर, आत्मा है परमात्मा है, एक देवतावाद पर, यानी एक ही देवता का अस्तित्व, और बहुदेवतावाद पर। तो निश्चित रूप से एक देवतावाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने तो इस पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। तो एक देवतावाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था, यूपी पीसीएस 1999 और 2005 में पूछा गया, हो सकता है अब 2021 में पूछ लिया जाए। अगला, राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था।
तो बाल विवाह का तो बिल्कुल विरोध किया था, सती प्रथा का निश्चित रूप से किया था, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ, मूर्ति पूजा का तो बिल्कुल विरोध भी थे ये मूर्ति पूजा के, तो केवल और केवल पाश्चात्य शिक्षा, तो राजा राममोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया बल्कि इसका समर्थन किया। तो पश्चिमी शिक्षा के, पाश्चात्य शिक्षा के, वेस्टर्न एजुकेशन के ये समर्थक थे राजा राममोहन राय। तो 13 का उत्तर हमारा सी। अगला, निम्न में से किसे राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। तो समाचार चंद्रिका को राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? हैं, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो यह कथन सही है, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का निश्चित रूप से विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, तो बिल्कुल अस्वीकार दिया कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग आवश्यक नहीं है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, बिल्कुल नहीं, इसने इस सिद्धांत का प्रचार नहीं किया, तो ये नहीं है। तो 1 और 2 हमारा उत्तर होगा। तो 1 और 2 हमें कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो हमारा उत्तर 1 और 2 बी होगा। आईएएस प्री 2012 में पूछा गया ये प्रश्न है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत की पताका फहराई थी। अगला, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था 1872 में, 1890 में, 1893 में, 1901 में। देखिए कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया, काफी पूछा गया ये प्रश्न है। तो 1893 जैसा कि मैंने आपको कहा सी इसका उत्तर है। अगला, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? दयानंद, राजा राममोहन राय, गांधी, विवेकानंद। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद को माना जाता है कि इस प्रकार का वेदांत रहे जिसका कि आचरण भी किया जा सके। अगला, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद, राणा डे, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका भी उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकों की रचना की। अगला, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? अब देखिए एमपीपीसीएस में 96-99 में और यूपीपीसीएस मेंस में 2004 में। तो इसका उत्तर है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल के बेल्लूर में की। तो यही इसका जो है मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। अगला, शारदा मणि कौन थी? राजा राममोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला,
ईश्वर के बारे में मैं सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? तो यूपी आर ओ ए आर ओ री एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। तो ये कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप ये बताइए कि ईश्वर है या नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना बाकी है। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? सिस्टर निवेदिता, सावित्री बाई फुले, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर है सिस्टर निवेदिता ने कहा, ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है 23 का। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की गई और 1877 में इसका मुख्यालय यानी आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर चला गया, और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। अगला, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1865, 1870, 1875। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई बंबई में। आगे, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुजम, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि वेद त्रुटिहीन है और वेदों की तरफ लौटने का हमें काम करना चाहिए। तो इनका प्रसिद्ध कथन है वेदों की ओर लौटो, वहीं पर सारे सल्यूशंस हैं। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती को इनके धार्मिक सुधारों के प्रयास के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। तो वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो राजा राममोहन राय ने कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा, विवेकानंद ने कहा और रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तो निश्चित रूप से दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर चलो या वेदों की तरफ लौटो। अगला, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो निश्चित रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? अब ये देखिए कितने एग्जाम्स में एक लाइन से ये सेम प्रश्न पूछा गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? राजा राममोहन राय की, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती यानी आर्य समाज की प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश है। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसोफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की। देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया, तो आर्य समाज की, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक आर्य समाज की है। अगला, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो बड़े पैमाने पर ऐसे हिंदुओं का जो ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लिए थे उनकी घर वापसी इन्होंने करवाया, तो इसी को शुद्धि आंदोलन, यानी कि उन्होंने जब धर्म परिवर्तित किया तो वह शुद्ध हो गए, अब उनको फिर से धर्म में ला करके उनकी शुद्धि की जाएगी। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन या
उसको चलाने का पूरा श्रेय आर्य समाज को है। अगला, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वदेशी की बात की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य भी बुरे से बुरे देशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। यानी कोई बाहरी व्यक्ति कितना भी अच्छा शासन कर ले, वो जो उस देश की सरकार है वो कितनी भी बुरी हो, तब भी वो बाहरी का शासन अच्छा नहीं होगा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, इन्होंने ही सबसे पहले ये बात रखी कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। ठीक है, ये बात स्वराज की भी बात इन्होंने ही सबसे पहले की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या वक्तव्य है? आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। पहले तो ऐसे वाक्य बना देते हैं कि वो देखिए आप, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, लिख दिए होते कि का भाव भरा, अब प्रदान किया, द्वारा हुआ नहीं वहां, लेकिन इसी तरह से फ्रेमिंग है। तो आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो निश्चित रूप से आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म को श्रेष्ठ मानने वाला वर्ग पैदा हो गया था। तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो कथन यह है, कारण यह है। अब ए में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आप इसका अगर उत्तर देखें, अगर मैं आप पे छोड़ दूं कि आप बताइए इसका उत्तर, तो क्या सोच करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? आप बी को उत्तर मान रहे हैं या ए को उत्तर मान रहे हैं? थोड़ा सा बताइए। ए बी में से कोई एक होगा, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, लेकिन आप ट्राई करिए। अगला, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, यह भी बात इन्होंने की। इन्होंने ही सबसे पहले स्वदेशी की बात भी की। अगला, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रानाडे। तो देखिए, प्रार्थना सभा समाज संस्था के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने ही केशव चंद सेन के निर्देशन में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की। तो आत्माराम पांडुरंग, लेकिन इस संस्था से महादेव गोविंद रानाडे जुड़े और बहुत प्रमुख जो व्यक्तित्व में प्रार्थना समाज की इनका नाम आ गया, ये मुख्य संचालक के रूप में प्रार्थना समाज के रहे। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? देखिए वही प्रश्न है, एमजी भंडारकर, एमजी रानाडे, पंडित रमाबाई, गोपाल गणेश आगरकर। तो एमजी रानाडे इसका हमारा उत्तर है। अगला, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, रामकृष्ण परमहंस, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी 1887 में लाहौर में। आगे बढ़ते हैं, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है।
गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इसका 38 का हमारा उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन था? बी आर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो ज्योतिबा फुले ने ही गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी और इन्होंने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि एक निम्न जाति आंदोलन था। अगला, सत्य शोधक आंदोलन चलाया था छत्रपति साहू जी महाराज ने, बी आर अंबेडकर ने, ज्योतिबा राव फुले ने, टी एन नायर ने। तो ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक आंदोलन का संचालन किया था। अगला, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परम मिशन। तो देखिए, ये सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था पिछड़े वर्गों का उत्थान। आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। अगला, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास, हेमचंद्र डे। तो राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया और इन्होंने 1830 में इस कार्य के लिए धर्म सभा नाम के संगठन का इन्होंने प्रारंभ किया। तो राधाकांत देव इसका उत्तर है। अगला, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। तो शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी संस्था सत्संग की स्थापना की थी। तो राधा स्वामी सत्संग का आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में की गई और इनका मूल नाम तुलसी राम था, लेकिन ये शिव दयाल साहब के नाम से जाने गए। तो आपने देखा होगा ये एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत सारे इसके केंद्र हैं। तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। अगला, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी की उपाधि मिली हुई थी। तो गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था। तो 45 का हमारा उत्तर होगा डी। तो इस प्रकार से कुल 45 प्रश्नों को इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो मिलता हूँ इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।